हमारे सभी गायत्री परिवार के ट्रस्ट मंडल, प्रज्ञा मंडल, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में अतिथियों का तिलक स्वागत करते हैं। सम्मानीय प्रधान आचार्य श्री गोरे जी अतिथियों का व श्रीमते गोरे बहन जी मंजा सिंह बहनों का स्वागत तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिष्ठति सर्वदा। हमारे बीच में जज हमारे मुख्य अतिथि सब परिवार पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। श्री राजेंद्र कुमार जी पाटीदार और उनके साथ में उनके सहधर्मणी सविता बहन पाटीदार पधारी है। यूँ तो वो सेंधवा में न्यायाधीश के पद पर पदस्थ हैं, लेकिन उनके मूल में एक किसान का खून छिपा हुआ है। आपने श्री रणछोड़ जी पाटीदार व माँ सीता पाटीदार जी के यहाँ जन्म लिया, जो कि न्यायमूर्ति माँ अहिल्या की देवी के गादी स्थान के पास समीप इनका जन्म हुआ। महेश्वर के पास एक छोटे से गांव झापड़ी में जन्म हुआ। आपने अपना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण कार्य झापड़ी गांव में ही, एक छोटे से गांव में ही इन्होंने संपन्न किया और अगली शिक्षा हाई सेकेंडरी के लिए मंडलेश्वर जाके उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया। उसके बाद में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए इंदौर गुजराती कॉलेज में LLB का पाठ्यक्रम पूरा किया। कॉलेज का अध्ययन पूरा करने के बाद में आपकी प्रथम पोस्टिंग जिला सहायक परिभाषक के रूप में संपन्न पदस्थ हुई। उसके बाद में प्रमोशन के रूप में 2006 में आपकी पदोन्नति होकर सिविल जज, जो कि हमारे बड़वानी जिले का गौरव रहा कि सर का पहला प्रमोशन बड़वानी जिले में उन्होंने जज के रूप में आए। उसके बाद धार गए और धार के बाद में फिर सेंधवा आए। भाइयों बहनों, आपको छोटा सा परिचय था, परंतु इनके बीच में छुपा हुआ उनका सरल प्रेमी और व्यक्तित्व जो सराहनीय है। आप समय समय पर गायत्री धाम पधारते आ रहे हैं, आपने अपने परिवार के जो भी बड़े बुजुर्ग थे उनके यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर भी कराया। आपको यहाँ पाकर कृतज्ञ हुए, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कहा जाता है जब व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर के जब कर्मठ होता है, उसके प्रति उसकी पूरी लगन और निष्ठा लगती है, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। श्रद्धे सम्मानीय अतिथि के बारे में आप सभी ने सुना कि एक छोटे से गांव में पढ़ा किसान का बच्चा आज इतने बड़े जज के पद पर अपने को पदाधिस्त करके आज इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। तो ये जरूर जीवन में जो संघर्ष इन्होंने किया है, उसी की इन्हें यह उपलब्धि मिली है। इसी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में संघर्ष करें और आगे बढ़ते रहें। किसी भी संस्था की अपनी एक यात्रा होती है। सुनते हैं एकलव्य गुरुकुल यात्रा का उद्गम श्रीमती आचार्य दीदी कल्पना बहन पंड्या के द्वारा। सूक्ष्म रूप में उपस्थित गुरुसत्ता को हृदय से नमन वंदन। सदन में उपस्थित सम्माननीय अतिथि महोदय जी, हम सभी के प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय पंडित जी, श्रद्धया दीदी माँ, ट्रस्ट मंडल, प्रज्ञा मंडल के समस्त पदाधिकारीगण, एकलव्य गुरुकुल के प्रधानाचार्य जी, समस्त स्टाफ एवं प्यारे बच्चों, आज मुझे यहाँ गुरुकुल स्थापना प्रतिवेदन की जानकारी देने के बाबत आमंत्रित किया गया। आइए सबसे पहले तो हम यह जाने कि गुरुकुल है क्या, गुरुकुल का आशय क्या है, गुरुकुल की डेफिनेशन क्या है। गुरुकुल समग्र एवं जीवन प्रयोगी शिक्षा का केंद्र है, जिसमें स्वास्थ्य, स्वावलंबन, जीवन शैली एवं संस्कारों का समन्वय करके एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करने की आधारशिला का काम करता है। कौन? गुरुकुल। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने शिक्षा जगत को गुरुकुल शिक्षा पद्धति के माध्यम से
संचालित करने का आह्वान किया। शिक्षा ही नहीं विद्या भी नामक वांग्मय खंड को पढ़कर परम श्रद्धेय पंडित जी एवं श्रद्धया दीदी माँ ने सन 1993 में गायत्री शक्तिपीठ सेंधवा में 12 छात्रों को लेकर आवासीय छात्रावास बनाया। वे सभी छात्र शासकीय विद्यालय में विद्या अध्ययन करते थे। तत्पश्चात सन 1997 में गायत्री धाम तपोभूमि में इंग्लिश कवेलू की बनी कुटिया में तथा पेड़ों की छांव में 25 छात्रों को लेकर एकलव्य गुरुकुल का शुभारंभ किया। क्रमशः विकास के बढ़ते चरण में वर्तमान में छात्र छात्राओं का आवासीय छात्रावास जहां 334 विद्यार्थी विद्या अध्ययनरत हैं। हमारे समस्त आचार्य गणों, आचार्य दीदियों, हमारे अभिभावकों एवं हमारे सारे प्यारे बच्चों ने अरण्यक गुरुकुल शिक्षा पद्धति का हृदय से स्वागत किया, आत्मीयता से अभिनंदन किया और शिक्षा जगत में एक अपनी पहचान बनाई। इस श्रेष्ठ एवं मंगल कार्य में हमारे लगे हुए जितने भी सहयोगी उदार मना हैं उन सबको साधुवाद, धन्यवाद एवं उनके उज्ज्वल और मंगलमयी भविष्य की हम गुरुसत्ता से कामना करते हैं। भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, व्यक्तित्व निर्माण की टकसाल गुरुकुल माध्यम से जहां चलाई जा रही है गायत्री धाम में, जहां श्रेष्ठ आचरण के नागरिक तैयार करने के प्रयत्न करते रहते हैं सतत यहां के कार्यकर्ता भाई बहन, टीचर स्टाफ। छोटा सा पौधा जो लगाया था आज विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है, जहां आप जैसे नन्हे मुन्ने बालक अध्ययनतर है और अरण्य गुरुकुल शिक्षा पद्धति से जीवन यापन करते हैं। भाइयों बहनों, मानव शरीर तो हम सभी को मिला है, किंतु व्यक्ति जब अपने श्रेष्ठतम गुणों को विकसित कर मानव से महामानव बनता है तो वह प्रेरणा का एक स्तोत्र बन जाता है। इसका उदाहरण हम सभी के बीच में श्रद्धेय पंडित जी के रूप में, जिन्होंने अपना जीवन अभाव, परिश्रम, संघर्ष, साधना, तप एवं संयम व गुरु कार्य के प्रति अटूट लगन व निष्ठा के द्वारा गायत्री धाम जैसी संस्था का निर्माण किया, जो कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए प्राकृतिक चिकित्सा, गोपालन, गो संवर्धन अभियान, जैविक कृषि, स्वच्छ निर्मल, व्यसन मुक्त आदर्श गांव की स्थापना, नारी जागरण के अंतर्गत कन्या गुरुकुल, ऋषि कन्यादान योजना, आदिवासी अंचलों से बालकों को गोद लेकर शिक्षा का प्रचार प्रसार, स्वावलंबन, योग, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर और धरती को हरी भरी चुनर उड़ाने जैसे अनेक कार्यों के लिए गांव ही नहीं पूरे भारत में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जिनकी 5 वर्षीय महाप्रज्ञा पुरुष चरण साधना के अनमोल क्षण हम सभी को आज प्राप्त हुए हैं। हमारी प्राचीन विद्या क्या थी व गायत्री धाम उस विद्या का कैसे समन्वय करता है, जानते हैं, सुनते हैं गोपुत्र श्रद्धेय पंडित जी के हृदय उद्गार। आज का ये क्षण एक इतिहास के साक्षी बनने जा रहा है। एक भवन बनता है, उसकी दीवार यदि टेढ़ी मेढ़ी बन जाए तो इंजीनियर ठेकेदार 10 बार तोड़ करके बना सकता है, लेकिन किसी आदमी का निर्माण यदि गलत तरीके से हो जाए तो कितने इंसानों के लिए तोड़ फोड़ और बड़ी बड़ी घटनाओं का कारण बन जाता है। भगवान करे आज हम एक अच्छे इंसान को घड़ने के एक टकसाल के एक प्रयोगशाला से हमारे चिरंजीव कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं का आज
ज्ञान दीक्षा समारोह में हमारे सम्मानी मंच की जो गरिमामय उपस्थिति है, आपके साथ जो हमने न्याय किया, आप दूसरों के साथ न्याय करना, इसीलिए हमने ज्ञान दीक्षा समारोह में सद्धे न्यायाधीश महोदय को बुलाया और उसके पीछे उनका व्यक्तित्व को बुलाया जिन्होंने अथक परिश्रम संघर्ष और हिंदी मीडियम के स्कूल से वही खाकी की चड्डी और हाफ बाँव का सफ़ेद शर्ट पहन करके वही गाय भैंस के पीछे झंडा लेकर के वही गांव खलियान के बीच घूम करके गांव की लोक और मातृभाषा में पले बड़े और आज इतने बड़े पद पर गए। कौन कहता है कि गांव का बच्चा महान नहीं बन सकता है। यह हमें कभी नहीं भूलना है कि इन अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति ही बड़े लोग बनाती है। आप जिस गुरुकुल से जा रहे हैं वहाँ की दिव्य परंपरा को इस ज्ञान दीक्षांत समारोह के माध्यम से आज हम आपको कुछ वह विशिष्ट बातें जो अभी तक 8 वर्षों में मैंने आपको नहीं बताई है वो बताने का 10 मिनट में प्रयास करेंगे और 10 मिनट का आपका फिर हम ज्ञान दीक्षांत समारोह का छोटा सा उपनयन संस्कार भी संपन्न कराएंगे। हमारे आज के इस कार्यक्रम के सभी सम्माननीय अतिथिगण, सद्य पाटीदार जी, बहन जी, हमारे सद्य महेश भाई, सद्य दिलीप भाई और इस आश्रम की व्यवस्थापिका सद्य मीरा जी जी और हमारे सद्य प्रधानाचार्य जी और सभी स्टाफ के आचार्यगण, आचार्य दीदियाँ, हमारे कनखरे जी, प्रज्ञा मंडल के परिजन, बहन पूजा जी जी, रवि भैया, पंकज भाई, हमारे दशरथ भैया या हमारी पूरी टीम जो गायत्री धाम के अलग अलग कार्यों में लगी हुई है, इनका सबका योगदान इतना दिव्य और भव्य है कि जिसका स्वरूप आज हमारे सामने इस रूप में है। यज्ञोपवीत और शिखा स्थापना, ये आरण्यक गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बाद जब बच्चे किशोर अवस्था में आते थे, किशोर अवस्था मतलब 13 वर्ष की उम्र, तो 13 वर्ष की उम्र में जैसे गाय के बच्चे को 3 साल की उम्र में और हाथी के बच्चे को 5 साल की उम्र में और घोड़े के बच्चे को 6 साल की उम्र में नकेल, नत और अंकुश से भस्म किया जाता है, ऐसे मनुष्य को नियंत्रित करने के एक ऋषि परंपरा थी कि उनके जीवन में शिखा और सूत्र की स्थापना होती थी दीक्षांत समारोह में। उसे क्या कहते थे? द्विजत संस्कार, उपनयन संस्कार, इस जीवन से एक नए जीवन की यात्रा, शूद्रता से महानता की यात्रा, नीच और निम्न कोटि से महामानव देवमानव की यात्रा। 13 साल तक बच्चे की थायमस ग्रंथि रहती है और जैसे उसकी किशोर उम्र लगती है कि ऋषियों ने उसको एक लगाम लगा दी, लगाम का मतलब उसके अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी का दायित्व दे दिया। अब वो दायित्व क्या है उसको आपको गंभीरता से समझना है। ये स्कूली डिग्री तो आपको पैसे से भी मिल जाती, गांव या किसी शहर में भी मिल जाती, ये डिग्री का अब उतना महत्व नहीं रहा है। मैंने देखा अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग के हुए, डॉक्टरेट, डीएड, बीएड के हुए लोग 3,000 से 7,000 रुपये की नौकरी के लिए मेरठ शहर में नाली के गड्ढे में उतर करके गड्ढा साफ कर रहे थे और काय के लिए, नगर पालिका में नौकरी चाहिए। अब आप सोच लीजिए, शिक्षा और नौकरी का अब कोई रिश्ता नहीं बचा है, अब तो बचा है आदमी के व्यक्तित्व का। यदि आपका व्यक्तित्व ऊँचा है और आपके अंदर की कौशलता है तो आपको बड़ी डिग्री की भी आवश्यकता नहीं है। आप करोड़पति अरबपति भी, जो डिग्री आपने गायत्री धाम में प्राप्त करी है, मैं गारंटी से कहूँगा इसी से आप दुनिया में जो भी बनना चाहते हो बन सकते हो। लेकिन यहाँ के ये दिव्य 5 गुण जो मैं बताऊंगा, जो वेदों ने कहे हैं, उनको आप यहाँ से साथ लेकर के जाना। सबसे पहले विद्यार्थी जब गुरुकुल से विदा होते थे तो आचार्य क्या कहता था, हम 2 कुल के जन्मदाता हैं, हम 2 कुलों को पैदा करते हैं, एक कुल हमारे माँ बाप का, एक कुल हमारे गुरु का। जब भी इंसान संसार में कोई काम करता है तो दोनों कुलों का नाम पूछा जाता है। पहला कुल पूछा जाता है किस माँ बाप ने जन्म दिया और दूसरा कुल पूछा जाता है
कहाँ पर आपका विद्या अध्ययन हुआ, कहाँ पर आपने पढ़ाई करी, ये दोनों कुल, एक कुल से शरीर मिलता है, एक कुल से मस्तिष्क मिलता है। माता पिता तो केवल शरीर दे सकते हैं, लेकिन दिमाग गुरु जैसी, आचार्य जैसी माँ देती है। यहाँ का वातावरण ने आपके मस्तिष्क में उसी तरीके से निर्माण किया। पहली से लगा करके आठवीं तक का आप चिंतन करो, जब आप फटी हुई नेकर पहनते थे, नाक होठ में आ जाती थी, गंदे कपड़े पहनते थे, लेटरिंग कभी कभी आप स्कूल के कमरे और बाहर भी कर देते थे, लेकिन ये वही हॉस्टल वार्डन है, ये वही आचार्य, ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इन शिशुओं को ये नहीं देखा कि किसका बच्चा है, ये देखा ये हमारा बच्चा है। इतना प्यार जिन्होंने किया हो पहली से लगा करके आठवीं तक, तो आज ये बच्चे जब बगिया में जाएंगे तो ये सीखा अर्थात मस्तिष्क के ऊपर गुरुकुल का गौरव का झंडा लहरा करके जाएंगे। मस्तिष्क रूपी किले के ऊपर देव संस्कृति का पहला परचम सिखा आपके मस्तिष्क के ऊपर जाएगी। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ से पढ़ने गए, डॉक्टरेट में गए, इंदौर और हैदराबाद लखनऊ तक यहाँ के बच्चे गए, और यहाँ जब आते हैं आचार्य जी से मिलने के लिए, तो आचार्य जी आज भी उनकी चोटी है, आज भी उनकी सिखा है, हमें गर्व लगता है। वो आज भी कान के अंदर बाल रखते छोटे छोटे, उन्होंने अपने आचरण से गुरुकुल को वहाँ भी जिंदा रखा, उन्होंने वहाँ की फैशन को स्वीकार नहीं किया, अपनी सादगी का परिचय दिया। तो आपको सिखा मूल पर दो चीज़ों को याद करके यहाँ से जाना है। हम देव संस्कृति के माता पिता, यज्ञ पिता गायत्री माता को माथे पर लेके जा रहे हैं। इसका नाम क्या है, यज्ञ का मतलब सदकर्म। सतत ये चोटी आपको इशारा करती रहेगी कि आप दुनिया में दुष्कर्म के लिए नहीं पैदा हुए हैं, सत्कर्म के लिए पैदा हुए हैं। आपकी चोटी फिर एक इंच की कि 12 इंच की है मुझे पता नहीं, लेकिन चाणक्य की बड़ी चोटी ने चंद्रगुप्त जैसे महामानव का निर्माण इसी आधार पर किया था कि सीखा का मतलब सीख कभी भूलना नहीं, सीख की गांठ लगा देना। इसीलिए पंजाबी सरदार लोग पंच सिखा रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं कि वो अपने मस्तिष्क के ऊपर वाहे गुरु की गुरुवाणी को बांध करके रखते हैं। तो आज आप गायत्री धाम से हमारी जो भी नैतिक शिक्षा थी उसको मस्तिष्क में चोटी के रूप में गांठ बांध करके रखेंगे। चोटी आप बांधते कि नहीं बांधते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चोटी रखते कि नहीं रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीखा की प्रेरणाओं को कभी भूलना नहीं। दूसरा सूत्र क्या था, हम गायत्री की उपासना करते थे, मतलब हम सद ज्ञान को अपने जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, उन अज्ञानियों की तरह हम ठोकरे नहीं खाएंगे, उल्टा हम भटके को रास्ता बता सकते हैं। यज्ञ को किस रूप में, सद कर्म के रूप में, गायत्री माता को किस रूप में, सद ज्ञान के रूप में, ये दो आपके मस्तिष्क में जा रहे हैं। और आप इस माता पिता के क्या बन गए, देव संस्कृति के श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को घुमाया था, आप संस्कृति को घुमाना, और वो स्वरूप सत्कर्म सद्ज्ञान होगा। और आपके कंधे के ऊपर और कंठ के ऊपर आपके सहपाठी मित्र जो कक्षा सातवीं के हैं, वो आपका ससम्मान करके आपको जब उपनयन का यज्ञोपवीत पहनाएंगे सम्मान में, तो वो काय का प्रतीक है, आप यहाँ से नवलखा हार, नौ गुणों का हार यहाँ से लेकर के जाएंगे। इस नवलख्य हार के बारे में युग ऋषि ने लिखा है कि यज्ञोपवीत के अंदर जो तीन ग्रंथियाँ जो आपके सामने लटकती हुई दिखाई देगी जब आपको पहनाएंगे, जब इसके अंदर तीन ग्रंथियाँ हैं, ये काय की है, सत्य प्रेम और न्याय। ये तीन ग्रंथियाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन ग्रंथियाँ अज्ञान अभाव आसक्ति से दूर करने वाली, ये तीन ग्रंथियाँ आपके अंदर सृजनात्मक प्रेरणा सतत देगी, निर्माण की प्रेरणा सतत देगी, और सतत अपने उचित भरण पोषण की प्रेरणा देगी। इसलिए आपको ये यज्ञोपवीत हो सकता है आज ही शाम को आप निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यज्ञोपवीत की प्रेरणा को अंतिम चिता तक ले जाने की अंदर यज्ञोपवीत प्रेरणा है। सन्यासी की जब दीक्षा होती है तो उसकी सीखा और सूत्र निकाल लिया जाता है, और वो सन्यासी के हाथ से क्या करा दिया जाता है, आटे का पिंडदान बना करके उसके जीवन को इन दोनों गुणों को अंदर डाल देते हैं। इसीलिए सन्यासी लोग कभी जनेऊ भी नहीं पहनते और सिखा भी नहीं रखते हैं और जटा भी नहीं रखते हैं। तो आपको मैं सन्यासी भी नहीं बना रहा हूँ और ना कोई ऐसा ब्राह्मण बना रहा हूँ जो चोटी और
जनेऊ का आडंबर करे। मैं तो मेरे ऋषि की भाषा में कहूँ कि जीवन का बाह्य आवरण टाई कोट वाला क्यों न हो, लेकिन भीतर का आवरण भारतीय संस्कृति वाला हो, जिसे देख करके कोई कहे क्या बच्चा है, इसकी माँ कितनी अच्छी रहेगी, जिस स्कूल में पढ़ा वो टीचर कितने अच्छे रहे होंगे, जिनके पास से पला बड़ा वो अभिभावक वो परिवार कितने अच्छे रहे होंगे। तो आप यहाँ से पहला गुण लेकर के जा रहे हैं, अपना दाहिना हाथ उठा करके बोलो श्रमनिष्ठा, श्रमनिष्ठा, हाथ गोदी में रख लिया करो। पहला आपने संकल्प लिया कि हम श्रम के पीछे काम चोरी नहीं करेंगे। श्रम मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। जितना भी व्यक्ति काम में निष्ठा रखता है, श्रम के प्रति प्रेम करता है, वो उतना स्वस्थ और सुंदर बनता है और व्यस्त बनता है। इसी कारण से वो प्रसन्न रहता है। यदि आपको जीवन में दुखी रहना है तो काम छोड़ देना, और जीवन में प्रसन्न रहना है तो काम से प्रेम कर लेना। आप दूसरा सूत्र बोलेंगे और ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, बोलिए संयम निष्ठा। हाथ नीचे करो। चार प्रकार का संयम लेके जा रहे हैं। इंद्रिय संयम, नाक आंख कान गला त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। यही दुनिया में सबसे बड़ा आदमी को सिखाती भी और बिगाड़ती भी है। मैं आधुनिक विज्ञान का विरोध नहीं करूंगा, लैपटॉप मोबाइल टेलीविजन का, लेकिन इसका उचित ही उपयोग करना। यदि इसके साथ मनोरंजन जोड़ दिया, इसके साथ मजाक जोड़ दी, इसके साथ भोग जोड़ दिया, तो ये किसी दारू के व्यसन से कम नहीं है। अभी चार दिन पहले डीएनए में बताया कि विश्व की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है मोबाइल, और इससे बच्चों के दिमाग के कैंसर होते हैं, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है। जो बच्चे ज़्यादा कार्टून देखते हैं वो समय से पहले मस्तिष्क से विकलांग हो जाते हैं। इसलिए जब गेट के बाहर जाओगे तो 8 साल तो आपके बीत गए ऋषि कुल में, लेकिन गेट के बाहर आपके पास सब कचरा आने वाला है। तो आपको संयम रखना है सुनने समझने देखने का और खाने पीने का। और दूसरा और महत्वपूर्ण टाइम मैनेजमेंट का। ऐसा ना हो कि सिनेमा देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि चौराहों पर बैठे हैं लोग गप्पे मार रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट करके चलना। अर्थ का संयम, जैसा हम ही आपके पास पैसा नहीं रखते थे, ऐसे गेट के बाहर जब तक आप न कमाओ, अपने माँ बाप से कभी भोग विलास के लिए, प्रदर्शन के लिए, लोग दिखावे के लिए, फैशन और व्यसन के लिए पैसे मत मांगना, नहीं तो आपके गुरुकुल की हत्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुकुल को तो आप वहाँ जिंदा करना है। अब दूसरा तीसरा सूत्र बोलेंगे प्रसन्नता। आप काले हैं, गोरे हैं, कपड़े सस्ते हैं, सुंदर हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी ब्यूटी पार्लर है, सबसे बड़ी आदमी की स्वास्थ्य की आरोग्य की कुंजी है उसके चेहरे की प्रसन्नता। आप 24 घंटा प्रसन्न रहना, हंसमुख रहना। यदि किसी से भी मिलने जाना तो आप हंसते हुए जाना। आप भय में मत जाना, डर के मत जाना, हंसते हुए जाना। अभी स्कूलों में जाओगे, ऑफिसों में जाओगे तो आप बिल्कुल प्रसन्नता से जाना, और आप डरना मत, हंसते हुए जाना, और जिससे आप मिल रहे पहले उनको चरण स्पर्श करना, प्रणाम करना, और उनसे थोड़ा दूर खड़े होना, और फिर अपनी बात मुस्कुरा करके बोलना। आपका नई नंबर लगता होगा तो मैं गारंटी देता आपका नंबर लग जाएगा। वो आदमी बोलेगा कि मैं तो हैरान होगा ये आदमी बनाया किसने, वो हैरान हो जाएगा कि आदमी आया किस घर से। वो कहेगा कि ऐसे व्यक्ति को मेरे विद्यालय में जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को मेरे ऑफिस में जरूर नौकरी करना चाहिए, मेरी कंपनी में इसको जरूर नौकरी रखना चाहिए। आपको अपनी डिग्री के बल पर मत जाना, टाई कोट ऊंचे जूते चप्पल की मौज में मत जाना, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जो वैल्यू इस समय विनम्रता को मिलती है वो बड़े बड़े डिग्री वालों को भी नहीं मिलती है, नहीं हो तो आजमा के देख लेना। सभ्य और सुशिक्षित लोगों में आज विनम्रता की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक लड़का किसी लड़की को देखने गया, उसने जाकर के कुछ भी नहीं करा, केवल वहाँ पे जितने बुजुर्ग लोग थे उनके केवल चरण स्पर्श कर लिए। तो बुजुर्गों से पूछा गया, बोले लड़का कैसा है, तो बुजुर्ग क्या बोलते, आँख बंद करके इस लड़के को लड़की दे दो, इसकी डिग्री भी मत देखो, इसकी नौकरी भी मत देखो, इसके पास बहुत बड़ी डिग्री है कि बड़ों का सम्मान करता है, इसलिए बेटी को कभी दुखी नहीं रखेगा। एक घटना मेरे प्रत्यक्ष सामने की है, जबकि वो लड़का मुझसे पूछ करके गया कि पंडित जी मेरे पास बड़ी संपत्ति नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, आज मेरी नौकरी भी नहीं, मेरी सगाई होगी कि नहीं होगी, मैं इस डर के मारे किसी के घर नहीं जा रहा हूँ। मैं कब मैं जाने का तरीका बताता हूँ। मैं कहा तू जैसे जाएगा तो एकदम छोटे बाल लेकर के जाना, सादगी से जाना, और वहाँ जितने बुजुर्ग लोग बैठे रहें सबसे पहले उनको प्रणाम करना, उसके बाद लड़की को देखना। लड़की पसंद आए ना पसंद आए वो बात का विषय है, लेकिन तेरा पहला ही जाना
वहां इस कदर हो जाए कि सभा में स्टार बन जाए तू, और पूरे परिवार में हीरा दिखाई दे, क्या चमक रहा आदमी। आज आदमी झुकना पसंद नहीं करता है। अगला सूत्र बोलेंगे और ये बड़ा महत्वपूर्ण है और सबको बोलना है, समाज सेवा। ये बताओ तुम कहां से पैदा हुए? किसी समाज से, किसी जाति से, किसी गांव से। यहां कितना आप काम करते थे, कितने पर्वते वार करते थे, कितने यज्ञ करते थे, कितने ध्यान और योग प्राणायाम करते थे। इसको छुट्टियों के दिनों में जिंदा रखना है और इसको गांव में समाज सेवा के रूप में बांटना है। गांव में कोई भी आयोजन हो तो पानी पिलाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे। स्वच्छता का काम कौन करेगा? गांव में डिस्पोजल मुक्त बनाना है। पशु पक्षी घायल हो गए उनके पानी पिलाना है। गांव के अंदर किसी भी प्रकार का पर्व त्यौहार हो तो कैसा मनाना चाहिए वो यहाँ जैसा आपको वहाँ प्रेरणा देना है। अगला व्यवस्था। व्यवस्था चाहे आपके बस्ते की हो, चाहे हॉस्टल की हो, चाहे आपके कपड़ों के हो, चाहे आप घर जाओ तो आपके घर की व्यवस्था हो, काहे की लेटरिन की, बाथरूम की, शौचालय की, परिसर के। जैसे यहाँ किसी व्यवस्था साफ सुथरी रखते थे, व्यवस्था ही आदमी का पहला आकर्षण है कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। जूते चप्पल लाइन से लगाना, छात्रावास में भी, स्कूल में भी, घर पे भी। अगला बोलिए सज्जनता। सज्जनता वह चुंबक है, वह मानवीय गुण है जिसके सहारे आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हो। कुछ भी मत करना, केवल सज्जनता से आप दुनिया में पेश आना तो सज्जनता वो गुण है कि लाखों दुर्जनों को भी झुका देता है। मैं तो नक्सलियों के बीच में रहा, एक दिन दो दिन नहीं 27 दिन झारखंड में रहा, और वो मुझसे लोग कहते थे, बोले यहाँ कोई टिक नहीं सकता है। मैंने कहा पूरे 27 दिन झारखंड में रहूँगा और बिना प्रचार के रहूँगा। एक ही गुण था, केवल सज्जनता। मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ, मैं इसलिए आपके बीच में आया हूँ, मेरा कोई काम नहीं है। वो तो पहली बात यही पूछते थे कि आप यहाँ क्यों आए। मैं कहा मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, आपका क्या काम है वो मैं करने के लिए आया हूँ। वो हैरान हो जाते थे उत्तर ही सुन करके, कह रहे आदमी ऐसा पहली बार देखा जिसका कोई धरती पे काम नहीं है, दुनिया का क्या काम है वो मैं करने के लिए आया हूँ। बस फर्क इतना है, आप जो कर रहे हैं उसमें ऋषि कैसा चाहता है वैसा करना है। गाय भी पालना है, जड़ी बूटी भी करना है, खेती भी करना है, घर भी चलाना है, ऑफिस भी चलाना है, देवालय भी चलाना है। बोले हाँ चलाना है। तो मैंने कहा आप चला रहे हैं उसमें कैसा चलाना चाहिए ऐसा अपन दोनों मिल करके सीखेंगे दो दिन तक। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहा चलो देवालय में चलते हैं। देवालय से शुरू करते राष्ट्र में मैं खेतों में ले जाता था सबको खेती कैसी करना। देखते देखते वो लोग जो नक्सलियों के गैंग के प्रमुख थे वो मुझे ट्रेन में बिठाने आए। एक सज्जनता का गुण, बस किसी के काम आने वाली तबीयत लेकर के जाना यहाँ से। अगला गुण न्याय पूर्ण उपार्जन कमाई का ही निर्वाह करना। बोलो तो न्याय उपार्जन। अन्याय की कमाई को, रिश्वत की कमाई को, फोकट की कमाई को कभी स्वीकार मत करना। मेरा ऋषि लिखता है कि धन की कमी से आदमी जितने दुखी नहीं है जितने धन के बढ़ने से ज्यादा लोग दुखी है, क्योंकि धन सबसे पहले बिगाड़ने का काम करता है, सुधारने का काम सेकंड नंबर पर करता है। वो भी किसके लिए? समझदार व्यक्ति के लिए। धन उसको सुधारता है, ना समझ को धन बिगाड़ता पहले है। देख लो सबसे ज्यादा दारू कौन पीते हैं? मैंने देखा अमीरों के बच्चे। सबसे ज्यादा तोड़फोड़ कौन करते? अमीरों के बच्चे। नहीं तो इतिहास देख लो आप, सबसे ज्यादा मर्डर और रेप और गुंडागर्दी कौन करते हैं? सबसे ज्यादा परिवारों में अशांति किसके यहाँ है? जिनका बहुत ज्यादा संपत्ति है। तो मैं संपत्ति का विरोधी नहीं हूं, संपत्ति का उपार्जन का सही तरीका होगा तो संपत्ति भी संस्कार लेकर के आती है। यदि आपको कोई मुफ्त, मेरे पास एक लड़का आता मंदिर में, वो आंखों से अंधा है, तो मैंने एक बार पंकज और रवि भैया से बोला, मैं कह रही इसको बच्चे को एक अच्छी ड्रेस सिला देना, तो उसने सुन लिया। उसने धीरे से मेरे पास आया और क्या कहा, वो दिन में समझ गया कि आदमी ऐसा होना चाहिए। पंडित जी लगता है मुझे अंधा देख करके आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, आप मेरे को कपड़े मत सिला के दो। यहाँ मंदिर में पंखे हैं, ट्यूबलाइटें हैं, इनके चौक यदि जल जाते हैं और पंखे की मोटर जल जाती है तो मैं ये बांधने का काम जानता हूँ, ये काम मैं आपका कर दूँ तो बदले में मुझे आप जो भी देना चाहेंगे मैं उसे भगवान की दक्षिणा समझ करके मैं कपड़े मेरी मेहनत से खरीद लूँगा, आप मुझे मत देना।
दादा भी उसको पहचानते हैं, वो संजोग जो रोज हारमोनियम बजाता है। मैं उस दिन उस सुरदास से मैंने सीखा, क्या सीखा, उसको तो अधिकार था भीख मांगने का। एक अंधा एक लंगड़ा आदमी भीख मांगे ना तो कोई उसको तिरस्कार भी नहीं करे, लेकिन एक अंधे में स्वाभिमान है कि मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे मेहनत चाहिए, मुझे काम का दाम चाहिए, फोकट का दाम नहीं चाहिए। कोशिश करना, कभी मुफ्त में तुमको झंडा पकड़ने के लिए लोग पैसा दे तो मत लेना। अभी आप कॉलेज में जाओगे ना, वहाँ अधिकांश राजनीतिक झंडे उठवाए जाते हैं कॉलेज के बच्चों से और नारे लगवाए जाते हैं। आप नहीं हो तो देख सकते हो दिल्ली की हालत क्या हो रही है इस समय। काशी बनारस विश्व हिंदू की जो बहुत बड़ी मालवीय जी की स्थापना की हुई है उसकी हालत क्या हो रही है। सारे बच्चे 40,000 बच्चे केवल नारे लगा रहे हैं, जिंदगी का सिस्टम खो दिया। वो मालवीय जी भी रो रहे होंगे बेचारे कि जिस काशी विश्वविद्यालय की मैं स्थापना करके आया उसकी हालत कभी ऐसी हो जाएगी, लेकिन इस सिस्टम ने कर दिए ऐसे, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत ख़राब है। हर जगह राजनेताओं का वर्चस्व है, उस वर्चस्व से आपको बचना है। किसी का विरोध तो नहीं कर सकते आप, लेकिन उनमें आप उस तरीके से इन्वॉल्व मत होना जो अज्ञानी लोग होते हैं। विरोध करोगे तो आप कहीं ना कहीं उनके टारगेट में आ जाओगे। अगला और महत्वपूर्ण, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आठवां सूत्र, विवेक संपदा का सतत जागरण। बोलो विवेक संपदा। तीसरा नेत्र, हमने हो सकता है ज्ञान और बुद्धि के साथ में आपको विवेक भी दिया है, तो ये आठवां गुण, विवेक को कभी खोना नहीं। और अंतिम है और महत्वपूर्ण है, आस्तिकता। आस्तिकता का मतलब मैं मालिक नहीं माली हूं, मालिक ईश्वर है। मालिक कौन है? भगवान, उस पर भरोसा करना। और भगवान कहां रहता है? मंदिरों में, मठों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, इस झगड़े में मत पड़ना। भगवान रहता है आपकी मानवता में, आपको इंसान इंसान से प्रेम करे। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था आस्तिक कौन, तो यहां से बोलते हैं पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उतने धर्म होना चाहिए। धर्म का मतलब उन्होंने क्या बताया? कर्तव्य परायणता। अध्यात्म का अर्थ क्या बताया? जीवन जीने की कला। हो सकता है हमने कर्तव्य को ही धर्म माना, और जब भी आप सूर्य के प्रति, पृथ्वी के प्रति, पानी के प्रति, हवा के प्रति और आकाश के प्रति, सूर्य और चंद्रमा के प्रति और तारागणों के प्रति और पेड़ पौधों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति आप श्रद्धा जगाते हो, इसका मतलब आप आस्तिक हैं। आस्तिक से मतलब केवल पत्थरों की मूर्तियों को मानने वाला नहीं, मंदिर मस्जिद के झगड़े करने वाले नहीं। आस्तिक का मतलब होता है जो अपने को देता है उनके प्रति आस्था रखता हो। आज का जो दीक्षांत समारोह है ये भारतीय संस्कृति को जीवित और जागृत रखने वाला ये यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से यहाँ पे संपन्न कराया गया। अगले क्रम में गुरुकुल छात्र छात्राओं के प्रतिनिधि के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ चिरंजीव ताराचंद बर्डे को कि वो संस्था व गुरुकुल के प्रति अपने कृतज्ञता के भाव व्यक्त करे। सुरविमा परम कृपाल गुरु सत्ता सम्मान्य पंडित जी, जीजी माँ, ट्रस्ट मंडल के आचार्यगण, इस गायत्री धाम के समस्त कार्यकर्ता एवं मेरे सहयोगी भाइयों बहनों, 8 वर्ष की गुरुकुल यात्रा को अपने शब्दों में उपकार के प्रति हमारी कृतज्ञता भाव, पूज्य सुरभि माँ गुरु सत्ता एवं माँ सरस्वती के चरणों में नमन वंदन। जिस माँ ने जन्म दिया
शिशु जीवन से जिसने दुलार मम तत्व कष्ट सहकर मुझे गुरुकुल यज्ञ बनाया, जिस पिता ने साधन दिए मुझे हर घड़ी सुयज्ञ बनू। कक्षा 8वीं के हम सभी छात्र छात्राएं विदाई के बेला में आत्मीय कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हैं एवं इस तपोभूमि के समस्त पर्व और त्योहारों पर आकर हम अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इन्हीं भाव के साथ आज हम यहाँ से विदाई लेते हैं। प्यारे बच्चों, जब माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं और गुरुकुल में शिक्षा के लिए पहुँचाते हैं तो उनके कितने ऊँचे भाव अपने बालकों अपने बच्चों के प्रति होते हैं, और उन्हीं भाव को आपने गायत्री धाम की तपोभूमि में साकार करने की पूर्णतः कोशिश की है। यह पत्रक मात्र कोई सर्टिफिकेट या कागज का टुकड़ा नहीं, इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द भाव संवेदना व आशीष से परिपूरित है, जो आपको सतत पथ प्रदर्शक बनकर प्रेरणा देता रहेगा। आइए इन्हीं भावों को लेकर आप सभी के बीच गायत्री धाम की व्यवस्थापिका बच्चों की प्यारी जीजी नहीं जीजी माँ के भाव वचन, जिन्होंने सदैव इन बच्चों को माँ का स्नेह प्यार ममता दुलार बांटा है। इन्हें जन्म देने वाली माँ तो इनसे दूर कभी कभार मिलने आती होगी, जीजी माँ के सानिध्य में इन्हें कभी भी अपने माँ के ममता की कमी महसूस नहीं हुई। आइए ऐसी स्नेह सलीला ममतामयी वात्सल्यमयी आदरणीय जीजी माँ को मैं आमंत्रित करती हूँ कि इन बालकों को अपने वात्सल्यवाणी से लाभान्वित करें। प्रकाश शरीर में उपस्थित गुरु सत्ता, सम्मानीय मंच, समस्त आचार्यगण, आचार्य दीदियाँ, प्यारे छात्र छात्राओं, निश्चित मानिए कि आप लोग यहाँ से पहली से आठवीं तक विद्या अध्ययन किया और अपने जीवन को एक सफल बनाने की एक यह जीवन पद्धति आप लोगों ने सीखी है, आप सभी के निश्चित काम में आएगी। ये आशीष वचन आप सभी को यहाँ से दिया जाएगा, आठवीं के छात्रों को, जो अपने जीवन में सतत यह आशीष वचन आपको काम में आएगा। आइए आशीष वचन आप सभी श्रवण करें। अमृत विशासत दिग्वेद, उत्साही और आशावादी का ही साथ करो। चिरंजीव पिताश्री, कक्षा श्रेणी में उत्तीर्ण होकर गुरुकुल जीवन की स्वावलंबी रचनात्मक संस्कार युक्त शिक्षा के साथ महाविद्या का प्रशिक्षण लेकर समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के गुण भी सीखे हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार का निर्माण किया है, जो आपके व्यक्तित्व को सदैव निखारेगा। गुण, कर्म, स्वभाव के द्वारा गुरुकुल कार्यकर्ता सहपाठियों के बीच अपनी पहचान बनाई, यही उपहार है। उपासना जीवन, साधना संयम, सेवा से आत्मकल्याण, लोक कल्याण की संपदा पाई। भारतीय संस्कृति के दो आधार यज्ञ पिता गायत्री माता को सत्कर्म और सद्ज्ञान के रूप में आपने वरण किया। प्रखर प्रज्ञा, सृजल श्रद्धा, अखंड दीपक, युग तीर्थ शांति कुंज की दिव्य सत्ता से भाव संवेदना बुद्धि में प्रखरता सदैव पाते रहें। पूज्य गो माता सुरभि की तपोभूमि का दिव्य संकल्प जीवन की अंतिम श्वास तक बने रहें। गायत्री परिवार ट्रस्ट, आचार्य परिवार, आपकी लगन, निष्ठा और श्रद्धा हेतु उज्जवल भविष्य की ईश्वर प्रार्थना करते हुए माँ भारती के आंगन में श्रेष्ठ नागरिक गढ़ने का गौरव अनुभव करता है। आपके माता पिता बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ऐसी आज्ञाकारी संतान को जन्म देकर परिवार का मान बढ़ाया। आप यहाँ भी कर्तव्य मार्ग पर रहें, गायत्री धाम की ऋषि परंपरा निभाते रहें, यही मंगल मित्र की
आत्मीय गुरुकुल दक्षिणा स्वीकार करते हुए आत्मीय प्रेम बनाए रखें। जहाँ भी रहो दीप बनकर जगमगाओ, यही आप सभी को शुभ मंगल कामनाएं देते हैं। आइए सुनते हैं इन बच्चों के बीच में समय समय पर आकर बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले हमारे ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी गणों के हृदय के भाव वचन। माँ गायत्री तथा परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म गुरुसत्ता को नमन। हमारे अतिथि श्री पाटीदार जी, पंडित जी, ट्रस्ट मंडल के मेरे सहयोगी दिलीप भाई, प्रज्ञा मंडल से कंखरे जी तथा पधारे हुए समस्त अतिथि, हमारे गुरुकुल के प्राचार्य, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं तथा आश्रम के समस्त जीवनदानी कार्यकर्ताओं तथा यहाँ से विदाई ले रहे हमारे आठवीं के प्यारे बच्चों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ तथा ट्रस्ट मंडल की ओर से उनको भावभीनी विदाई के रूप में अपने वचन कहना चाहता हूँ। गुरुकुल अर्थात बाल जीवन को गला तपाकर समर्थ व्यक्तित्व के रूप में गढ़ने निखारने की कार्यशाला मानवीय प्रकृति प्रशिक्षक रूपांतरित करने के तीन सोपान शिक्षा, कला और विद्या, यहाँ पर 8 साल के समय में आप अच्छी शिक्षा, अच्छे कार्य करने की कला तथा समाज के लिए अच्छे गुण लेकर यहाँ से विदा हो रहे हैं। गुरुकुलों द्वारा नूतन इतिहास के सृजन का कार्य युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। यहाँ पर आपने 8 वर्षों तक रहकर जो भी गुरुकुल के कार्यों में सहयोग दिया है, गुरुकुल हमेशा उसे याद रखेगा। आप महाविद्या प्राप्त कर जीवन के कर्मयोग के सच्चे साधक बनकर यहाँ से जा रहे हैं। इस गुरुकुल का आप जहाँ भी जिस भी विद्यालय में अध्ययनरत रहेंगे, आपके गुणों, आपकी सौम्यता तथा आपकी कर्मठता को देखकर वहाँ यहाँ की नींव का हमेशा याद किया जा सके, ऐसा आप अपने मन से दृढ़ निश्चय लेकर जाएंगे कि आप जिस भी परिस्थिति में रहें हमेशा अपने आज को मजबूती से वहाँ पर कायम कर सकें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री पाटीदार जी, श्रद्धेय पंडित जी, जी जी गायत्री परिवार ट्रस्ट के मेरे सहयोगी साथी मित्र महेश भाई, प्रज्ञा मंडल से पधारे कनखरे जी, इस गुरुकुल के सभी समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, आश्रम में जीवनदानी कार्यकर्ता भाई बहन, गुरुकुल के प्यारे बच्चों, आज आपका जो दीक्षांत समारोह संपन्न होने जा रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा दीक्षांत समारोह मैंने कहीं नहीं देखा। आप लोगों को जो 8 वर्ष इस आचार्य लोगों ने जो तप और तपस्या से पढ़ाया, जी जी माँ ने जो आपको शिक्षा दी, पंडित जी के आचरण से आप भली बात ही परिचित हैं, उनके सानिध्य में आपने 8 वर्ष बिताए, इस भाववचन से आप महा आचार्य परिवार ने जो 8 वर्ष तक आपकी मेहनत और उज्जवल भविष्य की कामना की, आपका जीवन औरों को प्रभावित करे, आप किसी अनघट से प्रभावित न हो, ये सब सीख आप यहाँ से लेकर जाना है। व्यक्ति निर्माण की नर्सरी से आज 32 पौधे पेड़ बनने हेतु अपनी अगली कक्षा में प्रवेश लेंगे। संस्कारों के मेड़ से पौधों को अपनी रक्षा करना है और इस 8 वर्षों में जो गुरुकुल से आपने सीखा है,
मैं चाहता हूँ कि बाहर जीवन में भी रहकर आप इसका आनंद लें और इसको उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता। आपने हमारे ट्रस्टीगण के हृदय के भाव वचनों को श्रवण किया। अगले क्रम में प्यारे बच्चों, 8 साल से आप सभी हमारे बीच बड़े ही प्यार व स्नेह के साथ शरारत, मस्ती, गलतियाँ और बहुत सारी अच्छाइयों के साथ जीवन यापन किया। स्वावलंबी व मेहनती अनुशासन से गुरुकुल पद्धति में आपने अपने बचपन की नींव के पौधे को सींचा। इसे अब पल्लवित होना है। प्यारे बच्चों, बाहर के संघर्षों, झंझावातों और संघर्षों के बीच इस संस्कार के पौधे को कभी आप सूखने मत देना। अपने श्रेष्ठ आचरण से जो भी आपने यहाँ आपको विरासत में मिला, उन श्रेष्ठ गुणों से समाज में जाकर अच्छाइयों को बिखेरना। बाहरी दुनिया से कभी प्रभावित मत होना। आप यहाँ से श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ मानव बनकर जा रहे हो। गुरु दक्षिणा में आपसे इन संस्कारों को जीवन में धारण करने का और औरों को बांटते रहना। परम आदरणीय पंडित जी, परम आदरणीय ममतामयी जीजी माँ, आदरणीय पाटिल साहब, आदरणीय पाटिल जीजी, एकलव्य गुरुकुल के प्रधान आचार्य जी, सभी आचार्यगण, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज बड़ा सुखद संयोग है। जिस तरह आप इस गुरुकुल से आज विदाई ले रहे हैं, 4 साल सेंधवा में सेवा देकर आज मैं भी सेंधवा से नए स्थान के लिए विदाई ले रहा हूं। कल जैसे ही गुरु जी की सूचना गायत्री धाम में आना है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। मैं जब भी मुझे मेरे पति कार्य के निर्वहन के पश्चात समय मिलता था, मैं श्रद्धेय पंडित जी के आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए गायत्री धाम जरूर पधारता था। और मुझे जब मैं गायत्री धाम आता था तो उस समय मुझे संस्कारों का महत्व मालूम पड़ता था। लेकिन आज ऐसा सुखद संयोग बना, मैं खुद ये प्रयास कर रहा था कि मैं जाने से पहले श्रद्धेय पंडित जी और जीजी माँ से आशीर्वचन लेकर नई जगह जाऊंगा, और ऐसा संयोग मिला कि मैं आपके बीच में आज उपस्थित हूँ। इसके लिए मैं आदरणीय पंडित जी का हृदय से आभारी हूँ। जहाँ तक संस्कारों की बात है, आदरणीय पंडित जी ने जिन शब्दों को, एक एक शब्द बोलकर आपको जो महत्व बताया, अभी आप उस अवस्था में नहीं हो कि इन शब्दों को गंभीर रूप से समझ पाए और उनका जीवन में क्या महत्व है ये पूरी तरह समझ पाओ। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी शिक्षा आगे पाते जाएंगे, किन्हीं पदों पर आएंगे, उस समय हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक संवेदनशील मानव के रूप में करना चाहिए, उस समय आपको इन शब्दों का महत्व मालूम पड़ेगा। और उस समय आज की शिक्षा जो आपको संस्कारों की मिली हुई है, उस शिक्षा पर गर्व होगा। मैं 4 साल यहाँ रहा और उन 4 सालों में कुछ समय मैं परम श्रद्धेय पंडित जी के सानिध्य में आता था, तो उस थोड़े से समय में मुझे इतनी आत्मीय शांति मिलती थी। उनके एक एक शब्द का महत्व समझने का अवसर प्राप्त होता था। उनके एक एक शब्द मोतियों के समान थे। मैं उस थोड़े से समय के लिए अपने आप को धन्य समझता था। तो आप तो इतने सौभाग्यशाली हुए कि आपको परम श्रद्धेय पंडित जी के सानिध्य में 8 वर्ष तक
शिक्षा ग्रहण करने का, संस्कार ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत सौभाग्यशाली है आप। जहाँ तक अवसर की बात है, जैसे पंडित जी ने बताया था कि यदि हमारे मन में इच्छा शक्ति हो तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी आपकी तरह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मैं जिस गांव में पैदा हुआ था उस गांव में स्कूल में लाइट भी नहीं थी, पंखा तो दूर की बात है। वहां पर जब शिक्षा की शुरुआत हुई, जैसे तैसे शिक्षा वहां से प्राप्त की। जब मैं बड़े इंस्टीट्यूट में वहां से गया था, उस समय मेरे मन में ये भावना थी कि मैं एक छोटे से ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी हूँ, मेरा स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि मैं बड़े बड़े लोगों के बीच में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ में कंपटीशन कर सकूँ। मन में एक हीन भावना भी आती थी कि शायद हम उस योग्य नहीं है, क्योंकि हमको वो अवसर, वो परिस्थितियाँ, वो मार्गदर्शन नहीं मिला कि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों से कंपटीशन कर सके। लेकिन मन में यदि हमारे इच्छा शक्ति हो, मन में स्वाभिमान हो, कुछ पाने की जिज्ञासा हो और एक संकल्प हो, तो हम हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं निमाड़ की शिक्षा पूरी करके मैं इंदौर गया था, मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। जब मैं शुरुआत में 2-4 दिन 8 दिन 15 दिन सारे स्टूडेंट के बीच में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों में सबसे निम्न ज्ञान वाला विद्यार्थी हूँ। लेकिन मन में एक संकल्प था, ये भावना थी कि मुझे कुछ प्राप्त करना है। मुझे मेरे माता पिता ने जिस उद्देश्य से, जिन मंगल भावनाओं के साथ में मुझे स्कूल में भर्ती कराया था, संस्कारित किया था, अध्ययन करने का अवसर दिया था, उनको मुझे सार्थक करना था। मैंने संघर्ष किया और आपको ताज्जुब होगा कि जब मैंने एक कंपटीशन एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहली मेरे जीवन की कंपटीशन एग्ज़ाम दी थी, तो मैंने 20,000 विद्यार्थियों में, उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी विद्यार्थियों के बीच में मेरा केवल 60 पदों के लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। लेकिन मेरा संकल्प था, मेरे संस्कार थे, आशीर्वचन थे मेरे ऊपर बड़ों के, इसलिए मैंने पूरे एमपी में सभी बच्चों में मैंने एमपी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उस दिन मुझे लगा था कि बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना पर्याप्त नहीं है, जीवन में संस्कार होना बहुत जरूरी है। यदि संस्कार है, हमारे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद है, मन में दृढ़ संकल्प है, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ मेरा आपको बताने का उद्देश्य ये है कि आप यहाँ पर 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करके आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे विद्यार्थियों के बीच में संघर्ष करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन उस समय आप अपने मन को बिल्कुल कठोर रखिएगा, दृढ़ संकल्प रखिएगा और कभी भी अपने मन में हीन भावना मत आने दीजिएगा कि हम सेंधवा जैसे एक छोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए। लेकिन जैसे पंडित जी ने बताया कि आप जहाँ भी जाएँ वहाँ आपके संस्कारों की छाप छोड़ना। तो जो संस्कार हमको यहाँ मिले हैं, जो संकल्प पंडित जी ने हमको दिलाया है, उनको हमको साथ में लेकर उन सभी बच्चों से के साथ में कंपटीशन करना है। मेरा दावा है कि आप सबसे आगे निकलेंगे, कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में उनसे पीछे नहीं जाएंगे। जहाँ तक संस्कारों की बात है, चूँकि अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं, अभी आपके मन में ये इच्छा होगी कि हमको बहुत अच्छे पदों पर जाना है, बहुत बड़े पद प्राप्त करना है, सुख सुविधाएं प्राप्त करना है, बहुत बड़ा अधिकारी बनना है। लेकिन जब आप किसी अच्छे पद पे जाएंगे,
बहुत अच्छी आय अर्जित होगी, आपको भौतिक सुख साधन अच्छे मिलेंगे। उस समय आप किसी संस्कारवान आदमी के पास में बैठेंगे या अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, उस समय आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा एक बड़ा अधिकारी बनना, बहुत सारे पैसे अर्जित करना, सुख सुविधाएं अर्जित करना, ये जो हमने सोचा था कि ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उस दिन जब आप सोचेंगे तो उस दिन लगेगा कि इनसे बड़े हमारे संस्कार है। आज की जो संस्कार युक्त शिक्षा है वो बहुत याद आएगी। उस समय आपको गर्व महसूस होगा कि हम एकलव्य गुरुकुल स्कूल से संस्कारित होकर निकले हैं। मैंने एक अभिभाषक के रूप में भी कार्य किया, फिर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैंने कार्य किया, और उसके पश्चात मैंने एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। जब हम कार्य करते हैं हमारे पास शक्तियां होती है, उस समय कोई आदमी हमारे सामने ये बोल नहीं पाता कि हमारी कार्यशैली कैसी है, हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। लेकिन जब आप वो आदमी आपसे आपके संपर्क में आकर जब दूसरों लोगों से मिलता है, उस समय आपको मालूम पड़ता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपका आचरण कैसा है। यदि एक अधिकारी बनकर केवल हम कार्य करते हैं तो हमारी पहचान केवल उस पद से होती है, लेकिन जब हम संवेदनशील इंसान बनकर, संवेदनशील मानव बनकर हम यदि कार्य करते हैं, दूसरे व्यक्तियों की संवेदनाओं को समझते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, परोपकार की भावना हमारे मन में रहती है, उसके साथ यदि हम कार्य करते हैं तो जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है वो हमारी प्रशंसा एक अच्छे इंसान के रूप में करता है, एक संस्कारवान मानव के रूप में करता है। और उस समय हमारी पहचान उस पद से नहीं होती बल्कि हमारे संस्कारों से उस पद की पहचान होती है। तो जिस दिन आप किसी अच्छे पद पर जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, शुरुआत में आपकी पहचान उस पद के रूप में होगी, लेकिन जैसे जैसे आपके संस्कार लोगों के बीच में जाएंगे तो धीरे धीरे आपसे उस पद की पहचान होने लगेगी। और जिस दिन आपके संस्कारों से, आपके व्यवहार से आपके पद की पहचान होने लगेगी, उस दिन आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। उस दिन आपको लगेगा कि जिन संस्कारों को लेकर हम गुरुकुल से निकले हैं, आज हमने आदरणीय पंडित जी को वो हमारी गुरु दक्षिणा हमने पूरी तरह दे दी। मैंने अपने जीवन में इन चीज़ों को बहुत बारीकी से अनुभव किया, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश का था, संघर्ष में जीवन की शुरुआत की थी, इसलिए मन में संवेदना रहती थी हमेशा कि मेरे हाथ से किसी गरीब आदमी का वह अहित ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। और जिस उद्देश्य से मुझे किसी पद पर बिठाया है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी के पद पर बिठाया हो, चाहे न्यायाधीश के पद पर बिठाया हो, मैं उन कर्तव्यों का एक संवेदनशील इंसान बनकर उचित रूप से निर्वहन कर सकूं, मैंने पूरा प्रयास किया। उसका परिणाम जब होता था कि मैं उन लोगों के बीच में कभी कभी कहीं भी संपर्क में आता था तो मुझे उस समय बहुत खुशी होती थी कि जब वो प्रेम से मेरे से मिलते थे, यदि उनके साथ में कोई रिश्तेदार हो तो बड़ी विनम्रता से मुझे उन रिश्तेदारों से भी मिलाते थे। मेरे बीच में एक बहन बैठी है, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान को कैसे होना चाहिए, दूसरों की मदद करने के लिए कैसे आगे आना चाहिए। आज मुझे यहाँ गुरुकुल में आया, गायत्री धाम में आया, जब वो मेरे संपर्क में आई, मेरी कोर्ट में जब मैं यहाँ पर आया था पहली बार, बैठे हम पहली बार जब वो इनका प्रकरण मेरे कोर्ट में चल रहा था, जब मैंने पहली बार उनकी फाइल देखी थी, उस फाइल को देख के तो मुझे ज़्यादा
कुछ लगा नहीं था क्योंकि इतनी ढेर सारी फाइलें रहती है, लेकिन जब पहली बार वो मेरी कोर्ट में आई, उनके मैंने उनसे बात की तो उन्होंने अपनी स्वयं की, अपने बच्चे की और अपने परिवार की समस्याएं मुझे बताई थी। उनका 3 साल से केस चल रहा था, जो सहायता उनको तत्काल मिलना चाहिए थी नहीं मिल पा रही थी, उसके कारण बहुत दुखी थी, उनके बच्चे की ठीक से शिक्षा नहीं हो पा रही थी, उनका खुद का भरण पोषण संकट में पड़ा हुआ था। मुझे लगा था कि इनकी मदद करना चाहिए, मैंने उस प्रकरण को टॉप प्रायोरिटी पे लिया था कि मैं कुछ भी हो इस बहन की मदद करके रहूँगा। मैंने एक सामान्य न्यायाधीश के रूप में जो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो उसका कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य के अनुरूप मैंने प्रयास किया। मुझे उसमें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आपको ताज्जुब होगा और खुशी होगी कि मैंने जो सोचा था मेरे कार्यकाल में मैंने वो पूरा करवा दिया। जो फाइल चार साल से पड़ी थी, उनको बहुत सारा पैसा सामने वाले पक्षकार से मिलना था, मैंने वो परिस्थितियां विद्यमान की कि उस आदमी को मजबूर होकर सारा पैसा एक साथ में देना पड़ा। मुझे उसको जेल भेजना पड़ा, जबकि वो ऐसा इंसान था कि उसके पीछे मैंने पूरी पुलिस लगवा दी, एक पूरा थाना लगवा दिया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था। और जिस दिन पकड़ में आया उस दिन उसने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया कि मैं कोर्ट तक नहीं पहुंचूं। लेकिन चूंकि मेरे मन में एक संकल्प था, मेरे मन में एक संवेदना थी, तो वो आया मेरी कोर्ट में, मैंने उसको जेल भेजा और उसका सुखद परिणाम ये निकला कि हमारे बीच बैठी बहन को उसका अधिकार था, जो मिलना था वो पूरा का पूरा मैंने दिलवाया। और जब उसके चेहरे पे मैंने खुशी देखी, तो जितनी खुशी उसको नहीं हुई होगी उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है कि शायद मैंने मेरे कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वहन किया है। आप एक अच्छे इंसान के रूप में, एक संवेदनशील नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। ये चीज़ें मेरे बताने का आशय ये था कि आप जीवन में जहाँ भी रहें, कितने भी बड़े पदों पर रहें, कितनी भी भौतिक सुख साधनों के बीच में रहें, लेकिन आप अपने धरातल को कभी मत भूलना, अपने माता पिता को कभी मत भूलना, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को कभी मत भूलना। मैं इसलिए बताता हूं कि यदि हम हमारी जड़ों से कट गए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पौधा जिस दिन जड़ से कटता है उस दिन मुरझा के सूख जाता है, चाहे उसके पास कितने भी साधन हो, क्योंकि देखते हैं कि जड़ें जमीन के अंदर होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, उनका त्याग किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जो ऊपर का तना होता है, जिस पर फूल लगे होते हैं, पत्तियां होती, सुंदरता होती है, वो केवल दूसरों को दिखाई देती है। लेकिन उन फूलों को और उन सुंदरता को लाने के लिए जिन जड़ों ने संघर्ष किया है, त्याग किया है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। और जैसे ही वो जड़ें कटती है, वो पत्तियां भी मुरझा जाती है, वो फूल भी मुरझा जाते हैं। तो हम केवल पत्तियां और फूल हैं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमको अच्छा फूल और पत्तियां बनाकर ऊपर सुगंधित हवा में जीवन जीने का अवसर दिया है, हमको कभी भी उन जड़ों को कटने नहीं देना है। हमें एक अच्छे इंसान के रूप में, एक संवेदनशील नागरिक के रूप में हमेशा अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना है। प्रयास ये करें कि कभी अधिकारों की बात नहीं करें, हमेशा ये सोचें कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, हम गरीब लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं। कभी ये अपेक्षा नहीं रखें कि सामने वाला हमको क्या देगा, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसके मन से दुआएँ निकलती हैं, और वो जो दुआएँ निकलती है वो आपके पैसे सुख संपदाओं से बहुत बड़ी होती है। उन दुआओं में बहुत बल होता है।
मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मुझे प्रशंसा नहीं मिले, पैसा ज़्यादा नहीं मिले, भौतिक सुख साधन ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन लोगों की दुआएं जरूर मिले। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं उन लोगों की मदद कर पाऊँ जिनको मेरी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने 4 साल में यहाँ सेंधवा में ये निरंतर प्रयास किया। जब मैं कार्य करता था उस समय आलोचना होती थी, लोगों को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कभी भी गरीब आदमी की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। हमेशा आवाज़ उठाने वाले उस आदमी के साथ में रहते हैं जिसके पास पैसा है या पावर है। इसलिए यदि कोई भी आदमी गरीब व्यक्ति की आवाज़ उठाता है तो पहले उसका विरोध होता है, लेकिन यदि मान लीजिए आप अच्छे भाव से उस गरीब आदमी की आवाज़ उठाओगे तो थोड़े समय के विरोध के बाद में वो आवाज़ें दब जाएगी। वो गरीब आदमी जो अकेला खड़ा है उसके साथ में और भी आवाज़ें जुड़ जाएगी, जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है वो सारी आवाज़ें इकट्ठी हो जाएगी और वो आपको दुआएं देगी, आपकी तारीफ करने लगेगी। जब वो आवाज़ें आपकी तारीफ करने लगे, आपके व्यवहार की तारीफ करें, आपकी संवेदनशीलता की तारीफ करें, उस दिन समझ जाना कि आप अच्छे इंसान हो, आपने अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन किया। मुझे संस्कारों के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं खुद ही प्रयास करता हूँ कि श्रद्धेय पंडित जी से जितने ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार ग्रहण कर सकूँ वो करूँ। और मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहता है कि मैं आदरणीय पंडित जी के सानिध्य में 4 साल रहा, 4 साल उनका मुझे आशीर्वचन मिलता रहा। और मुझे आज ये भी बताया गया कि मैं बुरहानपुर जा रहा हूँ, वहाँ भी गायत्री परिवार है, तो मुझे एक स्थान को दूसरे छोड़कर जब मैं दूसरे स्थान पर जा रहा हूँ तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे वहाँ भी कुछ संस्कार ग्रहण करने के लिए मिलेंगे। तो मेरा आप सभी छोटे भाई बहनों से यही अनुरोध है कि जीवन में खूब संघर्ष करें, कभी मन में हीन भावना नहीं आने दें, दूसरे कितने भी बड़े हों उनसे अपनी तुलना नहीं करें, हमेशा तुलना अपने से छोटे आदमी से करें, क्योंकि जब आप छोटे आदमी से तुलना करेंगे तो आप अपने आप को उससे बड़ा पाएंगे, और जब आप अपने आप को बड़ा पाएंगे तो आपके मन में हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, कुछ पाने की जागरूकता उत्पन्न होगी। हमको हमेशा स्वाभिमान से जीना है, संकल्प लेकर जीना है, और जिस लक्ष्य के साथ में हम यहाँ से इस गुरुकुल से निकल रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके साथ में मुझे भी आदरणीय पंडित जी से बहुत कुछ आज सीखने को और सुनने को मिला। यदि मैं आज नहीं आता यहाँ पर तो शायद इन मोती रूपी शब्दों को मैं सुन नहीं पाता, और जो संस्कार आज मुझे मिले शायद वो मेरे जीवन में नहीं मिल पाते। मैं आदरणीय पंडित जी का हृदय से आभारी हूँ, आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ कि आज मुझे इतने पावन अवसर पर सम्मिलित किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंच मंचासीन अतिथिगण, गुरुकुल समस्त गुरुकुल का समस्त स्टाफ,
आश्रम परिवार के सदस्य श्रद्धेय पंडित जी, जी जी अंश स्वरूप आपके अंदर उपस्थित चैतन्य को नमन करते हैं और जीवन क्रम में नित्य जीवन की यात्रा लंबी यात्रा में एक जीवन दर्शन की जीवन दर्शन की एक सोपान के रूप में जीवन दर्शन की एक संस्था के रूप में एक प्रयोगशाला के रूप में गायत्री धाम आज गायत्री धाम का ये कार्यक्रम जैसे कि संरक्षण के बिना न जीवन होता है न कोई पौधा फलित फूलित होता है न प्रकृति बढ़ती है न समाज बढ़ता है संरक्षण बहुत आवश्यक है तो आज इस संस्था के संरक्षक के रूप में गायत्री परिवार ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय और सभासद इस संस्था के संरक्षक हैं मैं गुरुकुल एकलव्य गुरुकुल के संस्था प्रमुख होने के नाते आप सभी को धन्यवाद देता हूँ हमेशा गुरुकुल के बच्चों का प्रोग्राम हो चाहे गुरुकुल के उत्थान के संबंध में या गुरुकुल के प्रोग्रेस के संबंध में कोई मीटिंग हो गुरुकुल की व्यवस्था के संबंध में हो हमारे श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय जी और कानूनगो जी हमेशा तत्पर रहते हैं हमको हमेशा सहयोग करते हैं उनके संरक्षण में आज एकलव्य गुरुकुल पुष्पित फूलित फलित हो रहा है अब मैं गायत्री परिवार ट्रस्ट के समस्त सभासदों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ उनके प्रति आभारी हूँ जिस प्रकार से एक वट वृक्ष की छाया में सारे जीव जो उसकी छाया में आते हैं सुख का एहसास करते हैं निश्चिंत हो जाते हैं एक माँ की गोद में जिस प्रकार से बच्चा निश्चिंत होकर उन्नति करता है माँ जिस प्रकार संरक्षण बच्चे का करती है उस प्रकार से हमारे पंडित जी और जी जी श्रद्धेय पंडित जी और जी जी इस संस्था का संरक्षण कर रहे हैं और हम उनका प्यार पा रहे हैं जैसा कि एक बात है जिसके पास जो प्राप्त है वो बांटता है किसी के पास धन है तो वो धन देगा जिसके पास ज्ञान है तो वो ज्ञान देगा जिसके पास जो है वो वितरित करेगा श्रद्धेय पंडित जी ने अपनी गुरु सत्ता से इतना प्यार पाया है निश्चित रूप से और इतना प्यार पाया है जीवों के प्रति उनकी संवेदना प्रकृति के प्रति प्यार वो आज हमें प्राप्त हो रहा है उनको उनके जीवन को निर्माण करने वाली ऐसी गुरु सत्ता को हम साक्षात नमन करते हैं साक्षात नमन करते हैं और श्रद्धेय पंडित जी जो उनकी प्रतिमूर्ति के रूप में उनके हमारे सामने आज उपस्थित हैं और जो सेवाएं दे रहे हैं उनके मंगलमय भाव उनके प्रेरणाएं उनके प्रेम को मैं नमन करता हूं साथ ही गुरुकुल का स्टाफ जो कि अभाव में जब मैं यहाँ पर आया था तो एक छोटे से टीन शेड में पंडित से मुलाकात हुई थी छोटे से टीन शेड में बैठ के मीटिंग होती थी और ये पूरा गुरुकुल का क्रम चलता था एक कुर्सी और एक लोहे की रेक हुआ करती थी रजिस्टर रखने के लिए और वहाँ से गायत्री धाम का एकलव्य गुरुकुल का पड़ाव चालू हुआ और श्रद्धेय पंडित जी के मार्गदर्शन में हम कार्यरत रहे और गुरुकुल का आधार जिसको कहा जाता है आधार एक तो संरक्षक और दूसरा स्टाफ वहाँ का तो यहाँ के शिक्षकों ने जो योगदान दिया उसके लिए मैं यहाँ के शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं उनका आभारी हूँ साथ में व्यवस्था तंत्र मैं आश्रम के समस्त कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इन बच्चों को अपना बच्चा मानकर इनकी इच्छाओं का पूरा किया इनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा और साथ में इनके जो गुरुकुल का समय सारणी के अनुसार भोजन की व्यवस्था करना
इनकी दिनचर्या में सहयोग देना, क्योंकि इसके बगैर संभव नहीं है। हॉस्टल की व्यवस्थाएं जब तक सुचारू रूप से संचालित नहीं होती तब तक अध्ययन की शालाओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो सारा क्रम जो बाहर का सारा क्रम क्रम जो है व्यवस्थित किया, और मैं धन्यवाद देता हूँ। वंदे तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे।